हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केक्स एंड कुकीज बाय प्रियंका। तो जैसा कि आज का वीडियो होने वाला है ड्राई और हार्ड फॉन्डेंट, क्योंकि हम लोग जो होम बेकर्स हैं वो फॉन्डेंट से जब काम करते हैं और उसे कितना भी संभाल के रखते हैं, लेकिन कभी कभार गलती से थोड़ी बहुत देर भी अगर एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड एकदम पत्थर की तरह हो जाती है। तो ये वाली आप देखें जो मैंने तोड़ी, बहुत ही हार्ड थी। और जो ये पिंक वाली है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है कि ये टूट ही नहीं रही है, इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई है। तो आज हम इनको बिना माइक्रोवेव अवन के या बिना मार्जरीन ऐड करे, पूरे यूट्यूब पे अभी तक सिर्फ यही प्रोसेस दे रखी है कि या तो उसे माइक्रोवेव अवन में रखें या फिर मार्जरीन ऐड करें उसको फिक्स करने के लिए, यानी सॉफ्ट करने के लिए। तो आज हम ये दोनों ही टेक्निक के बिना बहुत ही इजी मेथड से आपको ये सिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। और मैंने दो प्रोसेस इस वीडियो में दिखाई है, अभी जो चल रही है वो प्रोसेस नंबर 1 स्टार्ट हो चुकी है और सेकंड आपको दिखाऊंगी प्रोसेस नंबर 2। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने बिल्कुल उबलता हुआ तेज गर्म पानी डाला और उसके ऊपर ये छन्नी रख दी। छन्नी रखने के बाद जो हमारी ये हार्ड वाली फॉन्डेंट है वो हम इस पर रखेंगे और उसे प्लेट से 5-10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ढकने के बाद 10 मिनट के बाद हमने अपनी फॉन्डेंट को उठाया और उसे इस तरह से तोड़ना है। देखिये, पहले जहां वो इतनी हार्ड थी तोड़ी भी नहीं जा रही थी और अब वो मिक्सअप होनी चालू हो गई है। तो इसी तरह से हमें इसको अच्छे से मिक्सअप करते जाना है। कहीं पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी, कहीं पे स्लो में दिखाऊंगी, लेकिन आपको सारे स्टेप्स क्लियरली देखने हैं। अब देखिए, थोड़ी बहुत मैंने मिक्सअप करी, अभी भी अंदर से ये ड्राई ड्राई हो रही थी, तो मैंने वही जो गर्म पानी है उसमें अपनी फिंगर्स को डिप किया है। डिप करना है, ना कि हमें पानी उसमें डालना है, सिर्फ फिंगर्स को गीला करना है और उस गीले फिंगर्स से हमें फिर से मिक्सअप करते जाना है। और इसके बीच में जो थोड़ी बहुत मोटी मोटी गांठें थी वो मैंने निकाल कर अलग कर ली है, जो हमारी सिंपल फिंगर से हम नहीं इसको दबा पा रहे हैं। तो ये मैंने एक मोर्टार लिया है जिससे हम कूटते हैं अपने मसाले वगैरह, तो ये मैंने धोया था लेकिन फिर भी अंदर हल्का सा मसाले का कोई रेसिड्यू रह गया है। तो इससे हम प्रेशर डालेंगे इस पर और इसको ऐसे प्रेस करते रहेंगे तो वो जो गांठे है वो भी एकदम फ्लैट हो जाएंगी। इन गांठों को भी अब हमें मिक्स कर लेना, फिर से हमने थोड़ा सा पानी का हार्ड टच किया है और इसी तरह से मिक्स करते रहना है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ बेल कर दिखा रही हूँ, अभी मैंने किसी कॉर्नफ्लावर वगैरह का यूज नहीं किया है, जबकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और उसमें मैं आपको ये फॉन्डेंट देखो मैं बेल रही हूँ जबकि मैंने इसमें वाटर यूज करा है। पूरी प्रोसेस आपके सामने है और कितनी स्मूथ हमारी ये फॉन्डेंट जो है वो बेल चुकी है। इसे आप किसी भी कटआउट्स में कट कर सकते हैं और कोई भी अपना वो बना सकते हैं, जो भी आपको टॉपर्स बनाने हैं। अब हम इसको वापस से रोल कर देंगे और साइड में रख देंगे। अब हम नेक्स्ट अपनी प्रोसेस आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस में इसको कैसे सॉफ्ट करने वाली हूँ। ये देखिए, ये पिंक वाली मैंने तोड़ी है, बहुत मुश्किल से टूटी है, बहुत हार्ड है। तो अब मैंने बाउल में फिर से गर्म पानी ले लिया है और इस गर्म पानी में मैं अब छन्नी नहीं लगाऊंगी। ये तरीका मैं आजमा कर देख रही हूँ कि क्या ये सही जाता है कि नहीं। अब मैंने जो ये गर्म गर्म पानी है उबलता हुआ, इसमें ये फॉन्डेंट का पीस जो है वो डिप कर दिया है। फॉन्डेंट का पीस हमने डिप करा है और अब फिर मैं इसको ढककर थोड़ी देर रख दिया था 5-10 मिनट के लिए, और अब मैं इसे फोर्क से चेक कर रही हूँ कि ये थोड़ा बहुत सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो गर्म पानी जो है वो उसको हल्का सॉफ्टनेस देगा, उससे थोड़ा सा, क्योंकि शुगर होती है पानी के टच में आते ही थोड़ी सी लूज पड़ जाती है। तो देखिए, मैं अब फोक की हेल्प से इसको बाहर निकाल लूंगी। ये आप कलर जो पानी में देख रहे हैं, क्योंकि ये स्काई ब्लू जो फॉन्डेंट है वो मैंने व्हाइट में कलर डाल के बनाई थी अपने किसी केक पर लगाने के लिए, और जो बाकी बच गई थी वो यही हार्ड हो गई सारी पड़ी हुई। तो अब देखिए, ये कितने आराम से ये भी टूट रही है। तो फिर हम इस फॉन्डेंट को भी अच्छे से अपने हाथों से क्रश कर लेंगे। थोड़ी सी चिपचिपी जरूर हो गई है, लेकिन आप देखिएगा कि जब हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अरे ये तो खराब हो गई, चिपचिपी हो गई, लेकिन नहीं, जब हम इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे, ऐसे ही हाथों से क्रश करते जाएंगे और फिर से हमें मिक्स करते जाना है, तो कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल एकदम मतलब स्मूदन आउट हो जाएगी और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहेगी।
तो ये देखिए अभी भी ये स्टिकी स्टिकी दिख रही है, मेरे हाथों में टच हो रही है जैसे जैसे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद लगातार इसको 1 से 2 मिनट 3 मिनट फोल्ड करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि इतनी हार्ड फोंडेंट है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, थोड़ा फिंगर्स में भी पेन होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं। अपने पैसे बचाने के लिए कि हमारी हार्ड फोंडेंट वेस्ट ना जाए, तो थोड़ी सी मेहनत अगर हम कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं भी यही सोच रही थी कि इन हार्ड फोंडेंट्स का क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जो माइक्रोवेव ओवन है वो खराब हो चुका है और रिपेयर भी अब 2-3 बार करा चुके हैं लेकिन वो रिपेयर नहीं हो रहा। तो नया माइक्रोवेव जब भी हम लेंगे तो तब तक तो हमें कोई ना कोई जुगाड़ निकालना ही था, और मार्जिन भी मैं ऐड नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालूं कि जो मेरे लिए भी फायदेमंद हो और मेरे जैसे और भी कई होम बेकर्स के लिए फायदेमंद हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो वाली फोंडेंट भी मैंने अच्छे से मिक्स कर ली, उसका रोल बना लिया, और इस हाँ तरह का जिप लॉक पाउच था मेरे पास, वो जिप लॉक पाउच में मैंने उसको बंद कर दिया है। अब जो बाकी की फोंडेंट है, बचे हुए जो पीसेस है, ये भी हमने छन्नी पर वाले मेथड से ही करेंगे, मैं इसको डिप नहीं करने वाली। और मैंने छन्नी पर रखा और 5-10 मिनट के बाद वो सारी फोंडेंट सॉफ्ट हो गई, और फिर मैंने उन्हें मिक्सअप करके इस तरह से रोल बना के सारे एयर टाइट पाउच जो जिप लॉक पाउच होते हैं इनमें रख लिया है। तो चलिए मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा देती हूँ, ये पिंक वाला, ये देखिए ये इसमें इलास्टिसिटी भी आ चुकी है, जब आप बेलेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। हल्के फुल्के जो ये मोटे टुकड़े दिख रहे हैं, बेलने से ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो आप इसको अपने मन चाहे डिजाइन्स में कटआउट से कट कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।